नमस्कार दोस्तों, जब आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन एचआरएमएस में सबमिट कर देते हैं और गलती से भी उसमें कुछ कमी रह जाती है या आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो रिजेक्ट नहीं हो पाता है, इसका क्या रीजन है? कौन आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है और रिजेक्ट करने पर कौन सी बड़ी गड़बड़ी हो रही है एचआरएमएस में? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो को। गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाया है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और इस तरीके की गलती से आपको अभी बचना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इस प्रॉब्लम का ओवरकम हो जाए, लेकिन अभी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, एचआरएमएस की बहुत बड़ी गड़बड़ी है म्यूचुअल ट्रांसफर से रिगार्डिंग। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि यार आप भी चैनल सब्सक्राइब करिए और कम से कम अपने 10 साथियों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। हाय गाइज, मैं हूँ रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरवल टेक पर। तो गाइज, वो क्या रहा है कि मान लीजिए आपने अपना म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन एचआरएमएस में सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है दूसरे एम्प्लॉय के पास, ठीक है ना। अब दूसरा एम्प्लॉय या तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है या वो एक्सेप्ट करके खुद का फॉर्म भी भर सकता है। अब मान लीजिए दूसरे एम्प्लॉय ने भी म्यूचुअल का एप्लीकेशन फिल कर दिया है, अब आपकी रिक्वेस्ट चली गई सुपरवाइजर के पास। अब सुपरवाइजर किस तरीके से फॉरवर्ड करेगा, इसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, आप इसको जाके देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है और सुपरवाइजर उसको रिजेक्ट करना चाहता है, या आपको कुछ पता लग गया कि भाई उससे ये गलती हो गई है, या आप म्यूचुअल ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, या आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हो, तो आप खुद से तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। म्यूचुअल ट्रांसफर में ना ही विड्रा का कहीं ऑप्शन दिया गया है, ना ही कहीं मॉडिफिकेशन का कुछ ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जब आपका एप्लीकेशन सुपरवाइजर की आईडी पे दिखता है तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है फॉरवर्ड का और दूसरा आता है रिजेक्ट का, ठीक है ना। अब मान लीजिए सुपरवाइजर को सब कुछ ठीक लग रहा है और वो उसको फॉरवर्ड करना चाह रहा है, तब तो वो सिंपली आपके ब्रांच ऑफिसर का वहां पे नाम सेलेक्ट करेगा और अपना रिमार्क देगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करने के बाद वो केस आगे मूव कर जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो उसको रिजेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ी अब एचआरएमएस के सामने आ रही है। आई होप फ्यूचर में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तो ये दिक्कत वाली बात है। क्या होता है कि जब आपका सुपरवाइजर किसी म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है, बल्कि वो ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड हो जाता है। अब उसने वहां पर ब्रांच ऑफिसर का नाम भी नहीं डाला है, क्योंकि उसे तो फॉर्म रिजेक्ट करना था ना, तो अब वो फॉरवर्ड हो जाता है ब्रांच ऑफिसर के पास। अब ब्रांच ऑफिसर का कोई का नाम नहीं है तो वो किसी ब्रांच ऑफिसर के पास भी नहीं दिखता है। जैसे ही वो ब्रांच ऑफिसर के पास चल जाएगा तो रिक्वेस्ट चली जाएगी दूसरे सुपरवाइजर के पास। अब दूसरा सुपरवाइजर या तो उसको फॉरवर्ड कर दे या वो भी उसको रिजेक्ट करेगा, तब भी वो रिक्वेस्ट चली जाती है ब्रांच ऑफिसर के पास, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। अब इस केस में क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन तो चला गया ब्रांच ऑफिसर के पास, लेकिन ब्रांच ऑफिसर का तो नाम ही नहीं डाला है किस ब्रांच ऑफिसर के पास गई है। तो यहाँ पर आके सबसे बड़ा पंगा फंस जाता है कि ना तो आपकी एप्लीकेशन किसी ब्रांच ऑफिसर के पास गई, ना ही आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। तो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ही आपका यूनिट एडमिन अभी कुछ कर सकता है, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपका सुपरवाइजर कुछ कर सकता है, और ब्रांच ऑफिसर का तो नाम ही नहीं डाला तो वो गई किसके पास। तो गाइज, अब ये लूप में फंस गई है आपकी एप्लीकेशन, एक तरीके से आपकी बैक एंड में चली गई है, वो किसी को भी नहीं दिखेगी। आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन दोबारा भी नहीं भर सकते, आपके पास कैंसिल होके भी नहीं आया है और आपके ब्रांच ऑफिसर के पास भी नहीं है, ना ही सुपरवाइजर के पास है। तो आपकी वो एप्लीकेशन अब एक तरीके से बैकग्राउंड में चली गई, वो किसी के भी पास नहीं है और आप लटके के लटके रह गए हो। तो आई होप क्रिस इसमें कुछ सुधार करेगा। जब सुपरवाइजर एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो वास्तव में वो रिजेक्ट होके एम्प्लॉय के पास चला जाना चाहिए, ठीक है ना। अब दिक्कत ये हो रही है कि वो एप्लीकेशन किसी की भी आईडी पे नहीं दिख रहा, किसी की भी, तो ना ही आप अपना एप्लीकेशन दोबारा से भर सकते हो, ना ही कहीं विड्रॉ का ऑप्शन है, ना ही आपके ब्रांच ऑफिसर के पास है। तो यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ी ये मिस्टेक एचआरएमएस द्वारा हो चुकी है, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे केसों का किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, किसकी आईडी से वो केस दोबारा से रीअसाइन किए जा सकते हैं या रिजेक्ट किए जा सकते हैं, कहां पर वो मिलेंगे, वो तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर आपको आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवाना है या आपका सुपरवाइजर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो सोच समझ कर ही इस पर अभी डिसीजन ले, या फिर कुछ दिन के लिए आप रुक जाए ताकि ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट भी करवाना है या सुपरवाइजर को फॉर्म रिजेक्ट भी करना है तो भाई अभी आपको करना है,
तो आप पहले ब्रांच ऑफिसर का नाम वहां पे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद फॉर्म को रिजेक्ट करें, ताकि अगर फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो तो वो किसी ब्रांच ऑफिसर की आईडी पे तो दिखने लगे। अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा कि आप वेट करिए, इस प्रॉब्लम का ओवरकम होने दीजिए। प्रॉब्लम तो बड़ी बिग है, अब देखते हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन होता है। मेरा काम है आपको अवेयर कराना, जो भी प्रॉब्लम मुझे आ रही है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको भी आ रही है। आपके बहुत सारे लोगों के इस तरीके के कमेंट आए, तो मैंने इस चीज को टेस्ट किया, टेस्ट करने पर मुझे ये परिणाम मिला, और मैंने भी जिस एम्प्लॉय का टेस्ट किया है उसका फॉर्म भी अब पता नहीं कहाँ पर है। तो आई होप गाइस आपको इस चीज का पता लग गया होगा कि अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की स्थिति में हो, वेट एंड वॉच करिए, और जैसे ही म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन एकदम सही तरीके से हो जाए उसके बाद ही आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोसेस करवाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित आगे की जितने भी प्रोसेस होंगी मैं धीरे धीरे उनका वीडियो बनाता रहूंगा। तो गाइस सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि आपके जो व्यूज है वो बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यार आपको मेरी वीडियो या तो पसंद नहीं आ रही है या आपके यूजफुल नहीं है। लेकिन गाइस ये बात ध्यान रखना, कभी ना कभी आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, सारी वीडियोस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।